देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। एक के बाद एक लगातार कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। इस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि कच्चा माल काफी सस्ता है, उस पर टैक्स इतना ज्यादा हो जाता है कि दाम काफी बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक जमाने में टैक्स टेररिज्म की बात कही थी। कलयुग करयुग का है, लेकिन सरकार को भी उतना ही खून निकालना चाहिए जिससे कि इंसान में आयरन की कमी ना हो। रामदेव ने कहा कि सरकार को भी कर की जरूरत है, लेकिन वो इतना ही पैसा लोगों से ले कि लोग भी जिंदा रहें। खून इतना ही निकालना चाहिए जिससे शरीर में लोगों को आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी ना हो जाए। मुझे लगता है कि सरकार इस पर जरूर गंभीरता से विचार करेगी। डीजल पेट्रोल के साथ देश को खाने के तेल में भी देश को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। रामदेव ने कहा कि सरकार को जरूर डीजल गैस और पेट्रोल पर लगने वाले कर को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले। कोरोना में लोगों ने बहुत कुछ झेला है, लोगों ने अपनों तक को खोया है, कुछ परिवार में कमाने वाला भी नहीं रहा है, लेकिन लोग जिंदा भी रह सके उसके लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि यह संवेदनशील सरकार, प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, वह इस ओर जरूर ध्यान देंगे।